गुड मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे पिछला दिन जो है प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जो है आयोग के ऊपर एक बहुत ही प्रेशर भी बिल्डअप हुआ था, प्रेशर बना था। और उसके बाद देखिए कि आज एक न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है कि 1.1 टाइम्स जो है बुलाए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, और दूसरा कि आप लोगों को 1 से 2 दिन में नोटिस दे दिया जाएगा कितने लड़कों को बुलाया जाएगा। और उसके बाद जो है अगर एक बार में सीट फुलफिल नहीं होता है, एक बार में काउंसलिंग होता है फिर सीट फुलफिल नहीं होता है तो फिर से दोबारा जो है रिकाउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी किया जाएगा। और जब तक सीट फुलफिल नहीं होगा तब तक जो है काउंसलिंग की लिस्ट जारी किया जाता रहेगा। तो एक तरह से सही भी है। और दूसरा चीज़ है कि ये स्टूडेंट के साइड से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि काउंसलिंग की लिस्ट जारी किया जाता रहेगा जब तक सीट फुलफिल नहीं होता है। और ये चीज़ हम लोग जब बिहार SSC के सचिव महोदय से जब भी मिलने गए हैं तो हमेशा से ये चीज़ बोलते आए हैं कि हम सीट पूरा फुलफिल करेंगे। ये तो हमको लगता है कि चलिए ये अगर सच है तो सही बात है कि अगर वो सच बात है कि सीट फुलफिल होगा तो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होगा। आगे है कि पिछला जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें बहुत सारे लड़के उसके बाद कहने लगे कि आप भैया आप क्यों नहीं गए। तो दोस्तों जो अंदर गए हुए थे संतोष आर्या और आनंद कुमार, दोनों हमारे ही टीम के मेंबर थे। और दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे लड़के जो है पहले से बोल रहे थे कि बार बार यही दोनों आदमी जाते हैं, विकास जी और शिवम जी, तो इसलिए हम लोग सोचे कि चलिए इस बार जो है उन लोगों को भेजते हैं, क्योंकि बार बार एक ही चेहरा जब देखेगा अंदर में तो वो भी चिड़चिड़ा जाएगा कि इसी दोनों को ज़्यादा मतलब है हर चीज़ से, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये भी एक कारण रहा। और दूसरा चीज़ है कि लड़कों लोग का जो भी आप काम कीजिएगा तो उसमें हर एस्पेक्ट से देखिएगा तो आपको पॉजिटिव निगेटिव पता चलेगा। और जब होता क्या ना कि आप बहुत के भीड़ में होते हैं, बहुत लड़का के लिए जब आप काम करते हैं तो बहुत सारा चीज़ है उसमें पॉजिटिव निगेटिव। आप कितना भी पॉजिटिव कीजिएगा निगेटिव बोलने वाला निगेटिव बोलेगा ही, और निगेटिव कीजिएगा तो खैर निगेटिव तो बोलेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। खैर बहुत मेहनत हुआ लड़का लोग के भी द्वारा कि पिछले जनवरी मंथ से अभी तक जो है इतना सारा मेहनत हुआ है, इतना कम नहीं है, इतना किसी के बस का चीज़ भी नहीं है कि इतना अकेले जो है एक दो लड़का मिल करके इतना मेहनत करें। तो देखिए इसका पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए, हम ये उम्मीद करते हैं। और जो भी आयोग का निर्णय होगा लड़कों के हित में होगा। उसका सबसे बड़ा ये है कि आयोग के ऊपर भी एक प्रेशर बिल्डअप है, बाकी यूट्यूब चैनल के द्वारा भी बहुत सारा प्रेशर बिल्डअप किया जा चुका है पिछले कुछ 2-3 दिनों में। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा स्टूडेंट के ख्याल से बहुत ही अच्छा होगा। देखिए और 1-2 दिन में जो है नोटिस आने की संभावना है जैसा बताया गया है, उसके बाद अगले सप्ताह में जो है लिस्ट जारी करने के लिए बोला गया है। तो हमको लगता है कि अच्छा है, सही है ये न्यूज़। और उसके बाद जो है जो भी हो भगवान से यही मनाइए कि सबके लिए अच्छा हो। हाँ, और बहुत सारे लड़के कट ऑफ वट ऑफ के बारे में पूछते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों फाइनली कट ऑफ पे कोई असर नहीं पड़ता है, हो सकता है कि DV के टाइम में कुछ कट ऑफ पे असर पड़े फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में, लेकिन फाइनली जब आपका सिलेक्शन होगा उसमें कट ऑफ पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। 1-2 नंबर का हो सकता है, जो देखिए जितना सारा कट ऑफ बनाया हुआ है किसी के द्वारा सब एक्सपेक्टेड है, ये कोई रियल नहीं है। आप उसमें देखिएगा जब भी कट ऑफ हम लोग बनाए थे तो उसमें पहले ही लिख दिए कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो वो आपको बांध के चलिए कि उसमें 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन
लेकिन फाइनली जो है कट ऑफ पे असर नहीं पड़ेगा, वही रहेगा, क्योंकि सचिव महोदय भी हमेशा से ये बोलते आए हैं कि हम पूरे सीट को फुलफिल करेंगे। जब पूरे सीट को फुलफिल करेंगे तो कट ऑफ पे कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। इतना उम्मीद रखिए, इतना विश्वास रखिए, आप अपने आप पे भी रखिए और हम पे भी रखिए। और ज़्यादा आप लोगों से क्या बोले, बाकी जो है सो भगवान भरोसे फ़िलहाल छोड़ दीजिए। जो होगा आपके हित में होगा, जो होगा होना भी चाहिए आपके हित में। और हम भी आयोग से भी ये अपील करते हैं कि आप लोग भी अगर काउंसलिंग का जो लिस्ट जारी करें, उसके बाद जो आप तीन काउंसलिंग के लिए बोल रहे हैं कि तीन तीन बार भी बुला कर करेंगे, तो वो उसमें टाइम जो है ज़्यादा नहीं लगाइए। एकदम स्पीडली जो है, एक बार अगर फुलफिल नहीं होता है तो तुरंत दूसरा लिस्ट पब्लिश कीजिए, फिर तुरंत तीसरा लिस्ट पब्लिश कीजिए। उसमें ये नहीं कि आप छः छः महीने का गैप ले लीजिए, तब तो यहाँ लड़का मतलब टाइम में ऐसी ऑलरेडी जो है 8 साल हो चुका है। तो इसलिए बिना टाइम ड्यूरेशन लिए हुए जो है ये सब काम हो। अब फिलहाल अगर फर्स्ट काउंसलिंग में अगर देरी भी होता है, 10 दिन 15 दिन का देरी भी होता है, तो आप लोग इस चीज़ को पॉजिटिव लेके चलिएगा कि बहुत सारा ऐसा लड़का होगा जो ऑलरेडी कहीं जॉब में जाने वाला होगा, तो वो कम से कम ना आए। नहीं तो फिर जैसे अब मान लेते हैं कि बहुत सारे दरोगा के अभ्यर्थी है, उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिला है, मतलब ज्वाइनिंग क्या, उनका जो है ट्रेनिंग के लिए लेटर, हो सकता है कि ट्रेनिंग अगर चले ट्रेनिंग में चले जाते हैं तब आपको हो सकता है कि वो ना आए, लेकिन अगर ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं तब तो फिर वो आ जाएंगे। इसलिए आप लोग उम्मीद रखिए कि अगर 2-4 दिन लेट भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही रहेगा कि 2-4-10 दिन लेट होता है तो। और उम्मीद बनाए रखिए दोस्तों, खुशी से रहिए, मस्त रहिए, बाकी जो होगा सो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।